हेलो क्लास वन चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ योर चंदा मैडम एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज़ योर ईवीएस टेक्स्ट बुक व्हिच नेम इज लुकिंग अराउंड। ओके सो चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 6, दैट इज माय फैमिली। ओके चैप्टर नंबर 6 हमारे किसके बारे में है? माई मीन्स मेरा, फैमिली मीन्स परिवार। मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, सब को मिला के क्या होती है? फैमिली होती है। फैमिली मीन्स परिवार। ओके आपके मम्मी पापा, आपके बहन भाई और आप मिलके, सब मिलके क्या होते हैं? परिवार होते हैं, छोटे परिवार होते हैं। और बड़े परिवार जॉइंट फैमिली में आपका दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, योर ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ, अंकल आंट एंड योर कजन्स, ऑल टुगेदरली मेक्स योर फैमिली, बिग फैमिली। एंड इन स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार में आप जो यहाँ पर हो, तो आप लोग का परिवार में कौन कौन है? योर सिबलिंग एंड योर पेरेंट्स एंड योर सेल्फ। ओके आपके भाई बहन, आपके मम्मी पिताजी और आप मिलके क्या होते हैं? परिवार, छोटे परिवार। ओके नाउ ओपन योर, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन चैप्टर नंबर 6, दैट इज माय फैमिली। जब आप अपने चैप्टर नंबर 6 निकालेंगे, तब आपको ये पेज दिखाई देगी। ओके सो सी, व्हेन यू ओपन योर चैप्टर नंबर 6, यू विल फाइंड दिस पेज। ओके चिल्ड्रेन, एंड चैप्टर नंबर 6 इज अबाउट माई फैमिली। माई मीन्स मेरा, फैमिली मीन्स परिवार। सी हियर, दिस मम्मी पापा एंड यू एंड योर ब्रदर, आप और आपके भाई, ये क्या है? आपका परिवार के मेंबर है। ओके दिस इज ए स्मॉल फैमिली, एंड इन सम फैमिली देर आर बिग फैमिली ऑल्सो, जिसमें मम्मी पापा होते हैं और 2-3 ब्रदर एंड 2-3 सिस्टर्स होते हैं, तो वो क्या है? बिग फैमिली होती है। और जिसमें 1 and 2 चिल्ड्रन होते हैं और मम्मी पापा होते हैं, वो स्मॉल फैमिली होती है, वो छोटे परिवार होते हैं। नाउ लेट मी रीड द लेसन एंड एक्सप्लेन यू। ओके अभी मैं इसको पढ़ती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट मी रीड, आई एम बिपिन। तो ये लड़का कह रहा है, दिस बॉय इज सेइंग दैट आई एम बिपिन, मेरा नाम बिपिन है। मेरा मीना इज माय सिस्टर, ये मीना है, ये मेरा बहन है, इसका नाम क्या है? मीना है। तो बिपिन कह रहा है कि मेरा नाम बिपिन है और दिस इज माय सिस्टर मीना, आई एम हर ब्रदर। तो इन रिलेशन आई एम हिज ब्रदर, तो उनके रिश्ते में मैं इनका क्या लगता हूँ? भाई लगता हूँ। ओके ब्रदर मीन्स भाई। मिस्टर प्रकाश कोहली इज माई फादर, ये मिस्टर प्रकाश जो है मेरा पिताजी है। मिसेस रीता कोहली इज माई मादर, मिसेस रीता कोहली क्या है? मेरी मम्मी जी है। मिस्टर प्रकाश कोहली एंड मिसेस रीता कोहली आर माई पेरेंट्स, तो मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश कोहली आर माई पेरेंट्स। ओके आई एम देयर सन, मैं उनका क्या हूँ? बेटा हूँ। सन मीन्स क्या है? SON, सन। सन मीन्स क्या है? बेटा। तो ये विपिन कह रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने परिवार को, अपने परिवार से परिचय करा रहे हैं आपको। कह रहा है कि मैं विपिन हूँ एंड शी इज़ माई सिस्टर, हर नेम इज मीना, एंड शी इज़ माई मदर, हर नेम इज रीता कोहली, एंड शी दिस इज़ माई फादर, हिज नेम इज मिस्टर प्रकाश कोहली। ओके तो आई एम देयर सन, मैं उनका क्या हूँ? बेटा हूँ। बेटा SON, सन। सन मीन्स क्या है? बेटा। देन मीरा इज देयर डॉटर, जो मीरा है वो उनकी क्या है? बेटी है। डॉटर मीन्स क्या है? बेटी, DAUGHTER, डॉटर मीन्स बेटी, SON, सन। सन मीन्स बेटा। ओके द फादर मादर एंड चिल्ड्रेन मेक ए फैमिली, माँ पिताजी और बच्चों को मिला के क्या होता है? एक परिवार होते हैं, टुगेदर दे आर कॉल फैमिली। ओके फादर मदर एंड चिल्ड्रेन, दिस टू आर चिल्ड्रेन, दे टुगेदरली मेक ए फैमिली, वी आर ए स्मॉल फैमिली। तो विपिन बोल रहे हैं कि हमारे परिवार में ओनली 4 मेंबर है, 4 मेंबर है,
चार लोग हैं, इसीलिए हम लोग का परिवार क्या है, आवर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली, हमारा परिवार एक छोटा परिवार है। ना सी हियर देयर आर मेनी फैमिली मेम्बर, ना सी हियर द ग्रैंडपा ग्रैंडमा अंकल आंटी देयर चिल्ड्रेन एंड मम्मी पापा। ओके सो सी दिस माई ग्रैंड फादर इज माई फादर्स फादर, जो मेरे ग्रैंड फादर है वो मेरे पिताजी के पिताजी है, पिताजी के पिताजी को क्या बोलते हैं ग्रैंड फादर और ग्रैंडपा, फादर्स फादर इज कॉल्ड ग्रैंड फादर। ओके माई ग्रैंड मदर इज माई फादर्स मदर, मेरा जो ग्रैंड माँ है जो दादी माँ है वो मेरा क्या है पिताजी की मम्मी जी है, सी इज माई फादर्स मदर। ओके दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो दोनों को क्या बोलेंगे हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे, जैसे हमारे मम्मी पापा को पेरेंट्स बोलते हैं, और जब ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ को क्या बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पिताजी के मम्मी पापा को ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। दे लिव माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद माई अंकल, जो मेरा ग्रैंड पेरेंट्स है दादा दादी वो किसके साथ में रहते हैं अंकल के साथ में रहते हैं, हमारे एक अंकल भी है जो पिताजी के क्या है भाई है, हु इज माई ब्रदर फादर ब्रदर ही इज कॉल्ड अंकल। ओके तो ही इज माई अंकल, सो मेरा अंकल के साथ में क्या करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, हमारे साथ में नहीं रहते अंकल जी के साथ में रहते हैं। माई अंकल इज माई फादर्स ब्रदर, मेरा अंकल क्या है मेरा पिताजी का भाई है, फादर्स का भाई है, ब्रदर मीन्स भाई। माई अंकल्स वाइफ इज माई आंट, मेरा अंकल का जो पत्नी है वाइफ है वो हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं आंट लगती है। ओके आंट मीन्स आंटी इन शॉर्ट फॉर्म आंट, ओके आंट मीन्स आंटी, आंटी मीन्स अंकल का पत्नी को क्या बोलेंगे आंटी, अंकल्स वाइफ इज कॉल्ड आंट। दे हैव फोर चिल्ड्रन, उनके चार बच्चे हैं, सी हियर 1 2 3 4, दिस इज माई अंकल दिस इज आंटी दिस इज दीज आर ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स ग्रैंड पा एंड ग्रैंड माँ एंड देर आर दी दीज आर देयर चिल्ड्रेन 1 2 3 4, सो दे हैव हाउ मेनी चिल्ड्रेन फोर चिल्ड्रेन। ओके उनके कितने बच्चे हैं चार बच्चे हैं। देयर चिल्ड्रेन आर माई कजिन्स, वो जो चिल्ड्रेन है उनके वो क्या है कजिन सिस्टर एंड कजिन ब्रदर है। ओके माई ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड माई कजिन्स मेक ए फैमिली ऑफ 8, तो जो कजन्स है और जो ग्रैंड पेरेंट्स है सब मिला के कितने हैं टोटल मेंबर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर 8, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल आर 8। ओके दिस इज ग्रैंड पा ग्रैंड माँ अंकल आंटी एंड दीज आर द कजिन्स एंड दीज आर द देयर चिल्ड्रेन, सो माई अंकल हैज ए बिग फैमिली, तो मेरा अंकल का क्या है बड़ा परिवार है, इनका चार बच्चे है साथ में दादा दादी और अंकल आंटी है, तो पूरा मिला के 8 8 है, तो ये इनका क्या है बड़ा परिवार है, इसमें 8 मेंबर है। पहले वाले में विपिन के परिवार में 4 था, इसमें कितना है 8 है, तो वो स्मॉल फैमिली है ये बिग फैमिली है, दैट इज विपिन फैमिली वॉज स्मॉल फैमिली एंड इज अंकल फैमिली टुगेदरली विच हैव 8 मेंबर्स इट इज ए बिग फैमिली। ओके जिसमें 8 मेंबर है पूरा टोटल परिवार का सदस्य कितना है 8 है, तो वो बड़ा फैमिली है। सो माई अंकल हैज ए बिग फैमिली इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ज्वाइंट फैमिली, इसलिए मेरा अंकल का जो परिवार है वो बड़ा परिवार है, और बड़ा परिवार को किस नाम से जाना जाता है ज्वाइंट फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, इधर यू कॉल बिग फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। ओके आप इसको बड़ा परिवार भी कह सकते हैं और ज्वाइंट फैमिली भी कह सकते हैं, बिग फैमिली और ज्वाइंट फैमिली मीन्स सेम मीनिंग, इट इज़ फन लिविंग इन ए ज्वाइंट फैमिली, जब ज्वाइंट फैमिली में सब लोग साथ रहते हैं तो हम सबको क्या लगती है बहुत ज़्यादा आनंद आती है, वी डू लॉट ऑफ फन। ओके वी शेयर हैप्पीनेस एंड सोरो, हम लोग क्या करते हैं एक हमारा दुख भी बांटते और सुख में भी हम लोग क्या करते खूब मस्ती करते हैं, तो व्हेन वी लिव विद अ जॉइंट फैमिली वी एंजॉय अ लॉट ऑफ फन। ओके नाउ थिंग टू रिमेम्बर, ओके फादर और मदर, फादर इज ग्रैंड फादर, पिताजी का या मम्मी का पिताजी को हम लोग क्या करते कहते हैं इंग्लिश में ग्रैंड फादर कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते पिताजी के पिताजी को दादाजी और मम्मी के पिताजी को नानाजी कहते हैं, लेकिन इन इंग्लिश वी कॉल बोथ
ग्रैंड फादर, ओके। एंड फादर्स और मदर, मदर इज कॉल्ड ग्रैंड मदर। पिताजी की माँ को भी और मम्मी के माँ को भी हम क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर, या हिंदी में दादी माँ, हिंदी में पिताजी के माँ को दादी माँ और मम्मी के माँ को नानी माँ कहते हैं। फादर और मदर, ब्रदर इज एन अंकल, पिताजी के या मम्मी के भाई को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में अंकल कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम क्या कहते हैं, पिताजी के भाई को चाचा जी कहते हैं और मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, मामा जी कहते हैं। फादर और मदर, सिस्टर इज एन आंट, और पिताजी और मम्मी के बहन को इंग्लिश में दोनों दोनों को क्या बोलते हैं, आंटी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में हम क्या कहेंगे, मम्मी पापा के बहन को बुआ बोलेंगे और मम्मी के बहन को क्या बोलेंगे, मासी बोलेंगे, मौसी जी, ओके। देन चिल्ड्रेन ऑफ अंकल और आंट आर कॉल्ड कजन्स, जो मामा मामा के बच्चे लोग हैं और चाचा के बच्चे हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कजिन सिस्टर एंड कजिन ब्रदर, और हम भी हिंदी में क्या बोलते हैं, मामा मामा के बच्चे को ममरे भाई और चाचा के बच्चे को चचेरे भाई बहन कहते हैं। नाउ वी हैव फिनिश द लेसन चिल्ड्रेन एंड हियर वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइजेज गिवन इन दिस चैप्टर, ओके। क्वेश्चन आंसर जो दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल अप दिस ब्लैंक्स, आई हैव ऑलरेडी फिल अप द ब्लैंक्स इन रेड कलर एंड यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। मैंने यहाँ फिलअप करके रख दिया है और आप क्या करेंगे, इसको अपने नोट टेक्स्ट बुक में भरेंगे, ओके। यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो, उसके बाद में आप अपने नोटबुक में भी लिखेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस दिस ऑल, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक मार्क, क्रॉस मार्क, एवरीथिंग गिवन इन दिस लेसन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, मीनास ब्रदर इज, मीना का भाई का नाम क्या था, बिपिन, BIPIN, बिपिन, ओके। देन नंबर टू इज फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स, माँ और पिताजी दोनों को एक साथ में हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, ओके। पेरेंट्स बोलने से मम्मी और पापा दोनों को एक साथ मिला के पेरेंट्स, ओके, PARENTS, पेरेंट्स। नाउ नंबर थ्री, मीनास पेरेंट्स आर, मीना का मम्मी पापा को हम क्या बोलेंगे, मिस्टर एंड मिसेस कोहली, उनका पूरा नाम नहीं लेंगे, लंबा हो जाएगा, लेंदी, इसलिए मिस्टर एंड मिसेस कोहली उनका टाइटल यहाँ लिख देते, श्रीमान और श्रीमती कोहली। नंबर फोर, फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रेन मेक ए फैमिली, मम्मी पापा और उनके बच्चे को, देयर मतलब उनके चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, एक साथ मिलके क्या बनती है, फैमिली बनती है। जैसे बिपिन के फैमिली, बिपिन में फादर मदर था और बिपिन एंड बिपिन का सिस्टर था, तो सब मिला के उनको वो क्या हो गया, एक फैमिली हो गई। नाउ दिस इज बिपिन, दिस वन यू डोंट राइट, ओके। दिस बिपिन द इज द सन ऑफ, यहाँ इज नहीं लिखा, यहाँ इज भी होगा, बिपिन इज द सन ऑफ मिस्टर रीता कोहली, बिपिन जो है रीता कोहली की क्या है, बेटा है। सन मीन्स SON, सन, सन मीन्स क्या है, बेटा। मिसेस रीता कोहली की का बेटा का नाम क्या है, बिपिन है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं, इन योर टेक्स्ट बुक इफ यू सी देर इज नथिंग, ओके, बट आई हैव रोट द आंसर हियर एंड यू हैव टू कॉपी डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एंड प्लस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। आपका यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, तो इसको आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिखेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस, माय अंकल इज माय फादर्स, मेरा अंकल मेरा पिताजी का क्या है, भाई है। जो मैं अंकल जिसको बुलाता हूँ वो मेरा पापा का क्या है, ब्रदर है, भाई है। BROTHER, ब्रदर मीन्स भाई। वाइफ ऑफ एन अंकल इज कॉल्ड आंट, अंकल का जो वाइफ है, जो पत्नी है, उनको हम किस नाम से बुलाते हैं, आंट, शॉर्ट फॉर्म आंटी, हम इसे आंटी भी बुलाते हैं और आजकल फैशन हो गया वो उसको क्या शॉर्ट फॉर्म में, और भी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं, AUNT, आंट, ओके। आंट मीन्स आंटी। अंकल का पत्नी को हम क्या बुलाएंगे,
आंट कह के बुलाएंगे। द नंबर थ्री, माई फादर इज माई कजिन्स अंकल। तो मेरा पिताजी जो है, जो मेरा कजन ब्रदर एंड सिस्टर है, उनको वो उनको किस नाम से कैसे करके बुलाएंगे रिलेशन में, अंकल। जो मेरा कजिन्स है, जो मेरे चचेरे और मेरे भाई लोग है, वो मेरे पापा को क्या नाम से बुलाएंगे, कैसे करके बुलाएंगे, अंकल। माई कजन्स ग्रैंड पेरेंट्स आर माई ग्रैंड पेरेंट्स मेर टू। जो मेरा कजिन्स का ग्रैंड पेरेंट्स है, वो मेरा भी क्या है, ग्रैंड पेरेंट लगते हैं। इन रिलेशन दे आर ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स टू मी। ओके, वो मेरा भी रिश्ते में वो क्या लगते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स लगते हैं, दादा दादी जी लगते हैं, नाना नानी जी लगते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव। आपके पास कितने भाई बहन हैं? तो यहाँ लिखना, आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर, लाइक दैट वे। हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, ना यू हैव टू राइट हेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिक दिस वन आई एम गोइंग टू गिव यू लेटर। ओके, आई हैव नॉट रोट यर, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, इसका आंसर मैं लिख के दूंगी आपको व्हाट्सएप में, देन यू हैव टू राइट हेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिक दोज हु लिव इन योर फैमिली। इसमें से आपके परिवार में, अभी आपके परिवार में यहाँ कैथल सॉरी लुंगले में जो जो है, उनको सोच के आप यहाँ टिक मार करेंगे। जैसे आपके पास अंकल आपके घर में रहते नहीं, मैक्सिमम के घर में अंकल नहीं रहते हैं, तो क्रॉस मार्क यहाँ दिया है। आंटी रहते नहीं रहते, तो क्रॉस मार्क। ब्रदर रहते हाँ, आपके पास ब्रदर है तो यहाँ टिक मार्क करेंगे, जिसके पास नहीं है वो क्रॉस मार्क करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिस्टर। सिस्टर अगर आपके पास है तो यहाँ पर टिक मार्क करना है, सही का चिन्ह लगाना है। कज़न है, कज़न ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ पर किसी का नहीं है, इसलिए क्रॉस मार्क लगाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, सो हियर द लास्ट वन, द लास्ट पेज इन दिस चैप्टर इज, लेट मी रीड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू सम एक्टिविटी हियर। ओके, यहाँ पर आपको कुछ करना है अपने आप। पेस्ट योर फैमिली फोटोग्राफ हियर एंड राइट देयर नेम। आपको अपना फैमिली का फोटोग्राफ अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें चिपकाना है, ग्रुप फोटो। ओके, आपका मम्मी पापा, आपका भाई बहन और आप जहाँ पर फोटो खींचे उसका फोटो यहाँ चिपकाना है, और अपना नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन में पापा का नाम लिखना है, नंबर टू में मम्मी का नाम लिखना है, नंबर थ्री में यू हैव टू राइट योर सेल्फ योर नेम, अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपका भाई बहन, सिबलिंग है, आपका छोटा भाई बहन है या बड़ा भाई बहन है, तो आप उनका नाम लिखेंगे सीरियसली। ओके, देन मेक ए फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आपको फैमिली ट्री बनाना है, एक ट्री की तरह, जैसे आपका पेरेंट्स, पहले पेरेंट्स, यहाँ पर दादाजी का नाम, यहाँ पर दादी माँ का नाम, उसके बाद फिर फ्रॉम दादा दादी योर पापा का नाम, अंकल का नाम, फिर अंकल से नीचे आपका अंकल के परिवार का नाम। इस तरह से आपको क्या करना है, फैमिली ट्री बनाना है। दिस वन ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू लेटर। ओके, इसको मैं आपको बना के दूंगी इन व्हाट्सएप। ओके, दिस वन यू हैव टू डू एंड दिस वन आई एम गोइंग टू गिव यू इन अ पेज। ओके, हाउ टू ड्रॉ द फैमिली ट्री आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके ओके चिल्ड्रेन, now we have come to the end of this chapter. So thank you for watching this video, and watch this video again and again to clear your concept, अपना concept को clear करने के लिए और lesson को अच्छी तरह समझने के लिए आप बार बार इसको देखिए। Wherever you feel doubt, you can call me and ask me. Okay, in the Google Meet also, live class also, you can ask me your doubt. जब हम गूगल मीट में लाइव क्लास करेंगे तब भी आप अपना क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर एंड स्टे सेफ। ओके।